नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्द देश में। हमने नहीं सुना है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई है, उसके लिए रामनाथ कोविंद जी तत्कालीन राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। कमेटी का रिकमेंडेशन आ गया है, उस रिकमेंडेशन में उन्होंने रिकमेंड किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हम भी उसके पक्ष में हैं। 67 तक के तो यही हुआ था, आज न होने का क्या सवाल है? कहीं न कहीं आचार संहिता लगने के चलते काम में बाधा होती है, हमारे तंत्र लगे रहते हैं उसी में, इसके लाइन एंड ऑर्डर भी खराब होता है। तो वैसी परिस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। रही बात यूसीसी की, बात रहे हैं कॉमन सिविल कोड की बात आती है, उस पर आएगा बिल, विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक कल्चर का देश नहीं है, अनेकों कल्चर का देश है, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक वेशभूषा है, अनेक खान पान है, अनेक रंग रूप है। वैसी परिस्थिति में समझ करके निर्णय लिया जाएगा। प्रति ही कोई ऐसी बात है तो नहीं है, पार्लियामेंट में बात आएगी, लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे, विचारोपरांत जो सर्वसम्मति बनेगी उसके आधार पर यूसीसी लागू करने की बात आएगी। सर, इलेक्शन कैंपेन में घूम रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, हम कैंपेन में घूम नहीं रहे हैं, हमारा यह क्षेत्र रहा है और जहाँ जहाँ मेरा क्षेत्र रहा है वहाँ से मेरा एक संबंध बन जाता है, तो संबंध के चलते लोगों से मिलने जुलने के क्रम में यहाँ पर आए हैं। और जब एक शख्स दूसरे शख्स से मिलता है तो कोई बातें तो सामयिक होती ही है, और बात सही है, अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, तो वैसी परिस्थिति में चुनाव की बात होती है। अभी हमसे चुनाव की कोई बातें नहीं हुई, और जब बात होगी तो हम चुनाव के संबंध में कुछ बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि बात चुनाव का हो, तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर दीपा मांझी नाम करके बच्ची जो हमारी पतोहू है, वो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के दल तरफ से आई है, उसका चुनाव चिन्ह कड़ाही है, और अभी जो ईवीएम है उसके सीरियल 4 में उसका नंबर है, तो उसके बारे में हम लोगों से बात कर रहे हैं और करेंगे भी, अभी किया नहीं है। और हम ये मान के चलते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो मान के चलते हैं कि आदमी पूर्ण नहीं होता है, कहीं कुछ कमी रह जाती होगी, अलग है, भगवान भी कुछ करते हैं तो उनके बारे में भी बात हो जाती है कि ये बात भगवान ने अच्छा नहीं किया, तो हम तो आदमी हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है जिस क्षेत्र में हम गए हैं उस क्षेत्र के विकास में जो भी हो सकता है हम उससे बढ़ चढ़ करके ही काम किया है। जहाँ तक इमामगंज और डुमरिया और वहाँ के बाज़ार का मामला है, हम जब आए थे 2015 में, एक मांग यहाँ की थी कि बाबू आप कुछ करें या न करें, यहाँ शांति स्थापित करवा दीजिए। एक दूसरे से लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को लोग फंसाते हैं, कहीं बमबाजी होती है, कहीं कुछ होता है। हमने कहा था कि हम प्रयास करेंगे, हमारे हाथ में वैसा कुछ तो है नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से 9 यहाँ रहने का हम काम किया। हमारे समझ में कभी नहीं आया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आपस में वैमनस्य हुआ, और ये भी हुआ कि आज लोग चैन के सुख सो रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकास का जहाँ तक रहा है काम, तो अभी तक आज ही हम कह रहे थे
कि गया जिला के कौन ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जहां आईटीआई है? इमामगंज डुमरिया में आईटीआई बनाया, एक महकार अपने गांव में बनाया तो एक इमामगंज डुमरिया में बनाया, वो भी है यहां पर। उसके बाद पुल पुलिया की बात आती है तो कम से कम 22 पुलिया तो यहां बन चुके हैं, पुल बन चुके हैं। दूर जगह में सोनदाहा है वहाँ के बाज़ार में, वहाँ कोई जाता नहीं था, तीन तीन नदियाँ थी, आज तीनों में पुल बन गया है और रोड बन गया है, वहाँ हाई स्कूल बन गया है, लोग जाते हैं। लुटुआ में जब आए थे तो वहाँ का उच्च विद्यालय ढहा हुआ था, बम से उड़ाया हुआ था, रोड नहीं थी, वहाँ तक रोड गई और हाई स्कूल भी बना, आज पढ़ाई चल रही है, लोग जाते रहते हैं। शकरबंधा में कल ही संतोष बोल रहे थे कि शकरबंधा इतना सुंदर जगह लगता है कि जैसे कश्मीर है, और सही है, जहाँ शांति व्यवस्था है वैसी परिस्थिति में शकरबंधा सचमुच में एक लगता है हिली स्टेशन। पहले क्या था, जाने आने की तंग रास्ता थी, आज वहाँ सड़कें बन गई, वहाँ पर और क्लब बनाया है मिलने जुलने का, और जो भी विकास का काम है वो भी किया है। अभी जाने वाले थे भंगिया, जो एकदम चतरा बॉर्डर पर है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं थी, पुल बनाया, आज आसानी से लोग आ जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से सब जगह, आप इमामगंज से कोठी सलैया का ले लीजिए, क्या रोड की स्थिति थी, आज वहाँ पर रोड अच्छी हो गई है। कुछ कनेक्टिविटी ऐसी है जो अभी बाकी है, जो करना है, तो जो समय है समय का यूटिलाइजेशन किया है, और लगभग 4-5 पुल और ऐसे हैं, जैसे फुलवरिया का पुल है और उसके बाद चुआबार का पुल है, सब सैंक्शन है। अभी रजबलिया हम लोग आए थे हाल में, तो लोग एक तख्ता लेके आए थे, पुल नहीं तो वोट नहीं, हम गए थे उस गांव में और जब रिकॉर्ड देखा गया तो 3 करोड़ रुपया पास है उस पुल का, और आज न कल काम शुरू होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि सर्वांगीण विकास इस क्षेत्र का करने का प्रयास किया है, उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। तो इस बिना पर लोगों से हम लोग बात करते हैं और करेंगे, हमारे लोग घूम रहे हैं। कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, सुनने में आया है कि कोई फर्जी डॉक्टर यहां लिखते हैं अपने को, कौन डॉक्टर हैं पता नहीं है लेकिन डॉक्टर लिख रहे हैं। अब दीपा पोस्ट ग्रेजुएट है और एक वैसे मजदूर घर की लड़की है जो अपने माता पिता को चक्की चला करके आटा का जर्की प्राप्त करके अपने परिवार को पाली पोसी है, साइकिल से स्कूल आती जाती थी, आज हमारे साथ है, एक सफल बहू के रूप में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। अब जाना था कि अब जिला परिषद के सदस्य भी निर्वाचित हुई थी, 5 बार जिला परिषद के सदस्य भी रही, 2 वोट से जिला परिषद के अध्यक्ष पद से हार गई थी, और नहीं तो जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहती, फिर चुनाव हार गई है, दोबारा भी लड़ी थी। कहने का मतलब कि राजनीतिक सक्रियता उसका पहले से ही है, आज भी है, उसकी माँ भी MLA है, उसके पिताजी भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसका हस्बैंड संतोष कुमार आप जानिए रहे हैं कि खुद बिहार सरकार का मंत्री है, उसका ससुर हम हैं भारत सरकार के मंत्री, तो एक ऐसे परिवार से है कि जहाँ सामाजिक सरोकार से ही सरोकार रहा है। तो हम समझते हैं कि जिन कामों में को हम बढ़ाने का कोशिश किया था, अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी, चुनाव जीतने के बाद उसको पूरा करेगी। और जहाँ तक दूसरे का सवाल है, हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, महसूस करते हैं कि विधानसभा में कोई जाता है तो 2-4 वर्ष उसको समझने में लग जाता है कि कैसा विधानसभा होता है, क्या करना चाहिए, क्या शॉर्ट नोटिस है।